Hello everyone, I hope you all are well and safe at home. Today we are going to read Lesson 5, Monsoon of Standard 5th English. Lesson 5, Monsoon, page number 28 and 29. Lesson 5 में हमें पढ़ना है मॉनसून के बारे में. मॉनसून क्या होता है? मॉनसून रेनी सीजन को मॉनसून कहा जाता है. इसमें हम पढ़ेंगे एक वेदर के बारे में, मतलब मौसम के बारे में. अब वेदर्स में से आपका एक टाइप होता है मॉनसून का, जिसमें बारिश होती है, वर्षा होती है, जो मेनली इंडिया के अंदर जून से सितंबर के बीच तक होता है. जून के मिडल में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है. और सभी जगह बारिश होती है तो क्या होता है, जो आपके फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, उनमें पानी पहुंचता है. जो सूखी जगह है वो गीली हो जाती हैं. जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट की कंडीशन है, वहां पर पानी आ जाता है. और पानी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए. तो पानी तो हमें रेन से ही मिलता है. तो यहां पर हम वाटर मॉनसून से आता है, तो हम मॉनसून सीज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं. मॉनसून सीज़न मतलब रेनी सीज़न, बारिश का मौसम. तो बारिश के मौसम में बारिश को नहीं होती, और होती है तो उसे बुलाने के लिए यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, वो हमें इस पोयम में पढ़ना है. सबसे पहले 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. विच सीज़न डू यू लाइक मोस्ट, आपका सबसे फेवरेट सीज़न कौन सा है, आपको कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है. सेकेंड, विच सीज़न अराइव्स आफ्टर समर, समर के बाद कौन सा सीज़न आता है. तो गर्मियों के मौसम के बाद रेनी सीज़न आता है, और रेनी सीज़न से हमारी धरती को पानी मिलता है. व्हाट चेंजेस अकर व्हेन रेन कम्स, जब बारिश होती है, बारिश आती है, तो कौन कौन से बदलाव होते हैं. तो वो बदलाव हम सारे इस पोयम में देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से. द सन इज शाइनिंग ओ सो हार्ड, द लैंड हैज ट्राइड इट्स सो पास्ट, द फील्ड्स आर हंग्री रिवर्स थर्स्टी, ओ रेन रेन कम अवर वे. क्या मतलब हुआ इसका, जो सन है, जो सूर्य है, वो बहुत तेज़ी से चमक रहा है. सो हार्ड मतलब बहुत तेज़ी से चमक रहा है, उसकी सनलाइट आ रही है. द लैंड हैज़ ड्राइड, और जो धरती है वो पूरी तरह से सूख गई है. इट शो पास्ट, पास्ट का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा सूखा. जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो, समर सीज़न की बात हो रही है, और समर सीज़न में बारिश नहीं होती, सन बहुत तेज़ी से शाइन करता है, तो लैंड जो होती है, जो धरती होती है, वो ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा सूखा उसमें पड़ जाता है. तो यहाँ पर समर सीज़न की बात हो रही है. द फील्ड्स आर हंग्री, जो खेत हैं वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं. रिवर्स थर्स्टी, और जो नदियाँ हैं वो प्यासी है. मतलब क्या, खेत भी बारिश को बुला रहे हैं, नदियाँ भी बारिश को बुला रही हैं, धरती भी बारिश को बुला रही है, सभी लोग मिलके बारिश को बुला रहे हैं. क्योंकि खेत भी भूखे हैं, खेत में अनाज लगता है, और वो अनाज कब आता है, जब हम उसमें पानी देते हैं, जब खेती करते समय बहुत सारा पानी लगता है. और नदियाँ प्यासी हैं, नदी में भी पानी होता है, लेकिन समर सीज़न में नदियाँ सूख गई हैं, नदी का सारा वाटर सूख चुका है. तो यहाँ पर सब लोग मिलके बारिश को बुला रहे हैं. ओ रेन रेन कम अवर वे, बारिश बारिश प्लीज़ आ जाओ, बुला रहे हैं बारिश को. वे का मतलब होता है रास्ते में, हमारे पास आ जाओ, हमारे रास्ते में आ जाओ. सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं. रेन रेन इज़ ऑन हर वे, फैदर्स स्प्रेड द पिकॉक स्वे, द क्लाउड्स आर डार्क हार्क द लार्क, रेन रेन शी इज़ ऑन हर वे. अब क्या हो रहा है, बारिश अपने रास्ते में पहुंच चुकी है, तो बारिश होने वाली है. रेन रेन इज़ ऑन हर वे, बारिश जो है वो अपने रास्ते में है, मतलब बारिश होने ही वाली है. तो क्या क्या चेंजेस होते हैं जब बारिश होती है, तो जो पिकॉक होती है, मोर, वो अपने पंखों को फैला लेती है, डांस करने लगती है, नाचने लगती है, डोलने लगती है इधर से उधर. स्वे का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे धीरे चलना, टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब डोलना. तो
वो जो पिकॉक होती है अपने फैदर्स पंखों को फैला लेती है, स्प्रेड कर लेती है और घूमने लगती है। द क्लाउड्स आर डार्क, हार्क द लार्क। और जो बादल हैं क्लाउड्स हैं वो कैसे हो जाते हैं डार्क, मतलब काले काले बादल हो जाते हैं। और हार्क का मतलब होता है सुनना या किसी को कहना, किसी को सुनने के लिए बोलना। तो क्लाउड जब डार्क होते हैं, जब तो बादल जब आते हैं बारिश के लिए तो कड़कने भी लगते हैं, गड़गड़ाने की आवाज़ आती है, तो जो साउंड आता है ना उनमें से उसी को हम बोलते हैं हार्क। तो हम उस साउंड को सुनकर पहचान जाते हैं कि बारिश होने वाली है। द लार्क, लार्क का मतलब होता है एक ऐसा पक्षी जो बहुत स्वीट स्वीट सॉन्ग गाता है। इस पक्षी को स्काई लार्क भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा गाना गाता है। इसे हिंदी में भारद्वाज पक्षी भी कहा जाता है। तो जब बारिश होने वाली है तो हमें बर्ड की सिंगिंग सुनाई देने लगती है और क्लाउड्स डार्क हो जाते हैं और क्लाउड्स का साउंड सुनाई देने लगता है। रेन रेन शी हैज़ ऑन हर वे, बारिश भी अपने अब रास्ते में आ चुकी है। अभी हम बारिश को बुला रहे थे, अब बारिश होने ही वाली है। तो ये सारे चेंजेस हमें नेचर में देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं हम पेज नंबर 29 पर, थर्ड स्टैंजा पर। द क्लाउड्स दे गैदर डैश एंड थंडर, बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्रीक एंड शिमर, पिट पैट आई फील ए ड्रॉप, ओ रेन रेन शी हैज़ कम हर वे। क्या बता रहे हैं, बारिश अपने रास्ते में आ चुकी है, बारिश होने वाली है और धीरे धीरे करके बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो बादल हैं वो सारे गैदर मतलब इकट्ठा हो गए हैं, जमा हो गए, बहुत सारे काले काले बादल आसमान में छा गए हैं। डैश का मतलब होता है जल्दी से जाना, वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और थंडर मतलब बिजली को लेकर आ रहे हैं, उसके साथ साथ बिजली कड़क रही है। बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है तो उसमें से एक लाइट एक रोशनी निकलती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आती है कड़कने की, बिजली कड़कने की आवाज़ को कहते हैं बोल्ट्स ऑफ थंडर या बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग। स्ट्रीक का मतलब होता है लकीर या एक पतली सी लाइन जो हमें आसमान में देखने को मिलती है। जब बिजली चमकती है तो आसमान में हमें एक लाइन देखने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, शिमरी होती है। तो शिमर का मतलब होता है चमकीला, स्ट्रीक का मतलब लकीर। पिट पैट आई फील ए ड्रॉप, धीरे धीरे करके बारिश की बूंदें ज़मीन पर आने लगी और मुझे एक बारिश की बूंद महसूस होने लगी जिसका साउंड धरती पर पड़ते ही टिप टिप करते हुए आता है। तो यहाँ पर उसे बोल रहे हैं पिट पैट, पिट पैट का साउंड आ रहा है और मुझे ड्रॉप फील हो रही है, मतलब धीरे धीरे एक एक बूंद करके पानी यहाँ पर धीरे धीरे गिरा, फिर ज़ोर से गिरने लगा। ओ रेन रेन शी हैज़ कम हर वे, बारिश अब अपने रास्ते में आ चुकी है, बारिश होने लगी है। इसके बाद फोर्थ स्टैंजा पढ़ते हैं, लास्ट स्टैंजा। द फील्ड्स आर ड्रेंच्ड, द लैंड इज सोक्ड, द ट्रीज हैव बाथ्ड, द रिवर्स होज्ड, द अर्थ इज हैप्पी ग्रीन एंड चेरी, ओ रेन रेन कम अगेन। यहाँ पर बारिश के होने के कारण क्या क्या चेंजेस हुए हैं और हम बारिश को फिर दोबारा से बुला रहे हैं। जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, वो ड्रेंच्ड हो गए हैं। ड्रेंच का मतलब पूरे तरह से गीले हो गए हैं। ड्रेंच का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है तो उसे मूसलाधार बारिश कहते हैं, जिसके कारण उनका पानी ज़मीन पर पड़ा, खेतों में जा गिरा और खेत पूरी तरह से गीले हो गए हैं। द लैंड इज सोक्ड, और जो धरती है उसने उस पानी को पी लिया है, सोख लिया है। सोक का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, तो धरती भी पूरी तरह से वेट हो गई है, गीली हो गई है। द ट्रीज हैव बाथ, यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो नहा चुके हैं। नहाने के बाद कैसे गीले गीले हो जाते हैं, वैसे यहाँ पर पेड़ पौधे भी गीले हो गए हैं बारिश के पानी के कारण। और रिवर्स, जो नदियाँ हैं वो होज्ड हो गई हैं। होज्ड का मतलब होता है एक रबर का पाइप, पाइप को कहते हैं होज्ड, या फिर जिस तरह से आप पाइप से पानी डालते हो ना पेड़ पौधों में, उसी तरह से ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि पाइप की हेल्प से नदियों में भी पानी भर दिया गया है, होज की मदद से पानी उड़ेल दिया गया, या फिर आपने पूरे इन्वायरमेंट को पानी से धो दिया हो पाइप की हेल्प से, होज की हेल्प से। द रिवर्स होज्ड, तो ऐसा लग रहा है कि नदियों ने भी पानी पी लिया है। नदियाँ प्यासी थीं और नदी के अंदर भी किसी ने नदी को पूरा फुल कर दिया है,
पूरा भर दिया है, किससे? पानी से। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पाइप से उसको भर दिया हो। द अर्थ इज़ हैप्पी, हमारी पृथ्वी बहुत खुश है। ग्रीन एंड चेरी, ग्रीन का मतलब होता है हरी भरी हो गई है, आसपास हमें ग्रीनरी दिखाई दे रही है। प्लांट्स ट्रीज भी बहुत खुश हो गए हैं। चेरी का मतलब भी होता है हैप्पीनेस। तो अर्थ मतलब पृथ्वी बहुत खुश हो गई है, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्यासी थी इतने समय से, उसको पानी नहीं मिल रहा था, जो कि अब मॉनसून आ चुका है, बारिश हो चुकी है, तो सभी लोग बहुत हैप्पी है। ओ रेन रेन कम अगेन, तो अब बारिश हो चुकी है, तो अब सब सब मिलकर बारिश से बोल रहे हैं, ओ रेन रेन कम अवे, बारिश दोबारा से ज़रूर आना, फिर से आना, एक बार फिर से आना मॉनसून सीज़न लेकर। तो यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर लेसन 5 जो है आपका मॉनसून, ये कंप्लीट होता है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? मॉनसून सीज़न के बारे में पढ़ा, रेनी सीज़न के बारे में पढ़ा, समर सीज़न के बाद रेनी सीज़न आता है, और जो जो चीज़ें सूखी पड़ी होती हैं सबको गीला कर देता है, मतलब सबकी प्यास बुझा देता है, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर देता है, और हमें पीने के लिए वाटर भी तो वहीं से मिलता है, धरती उस पानी को सोख लेती है, फिर वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, फिर हम उस वाटर को जब वो प्योर हो जाता है तब हम उसे पीने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर दी है आपकी ग्लॉसरी, ग्लॉसरी मतलब मीनिंग्स। पास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा सूखा, स्वे का मतलब डोलना, हार्क मतलब सुनना, लार्क मतलब एक पक्षी जो अच्छा गाना गाता है, डैश मतलब तेज़ी से जाना, स्ट्रीक मतलब लकीर, शिमर मतलब चमकीला, ट्रेंच मतलब मूसलाधार बारिश या बहुत ज़्यादा गीला, सोक मतलब भी बहुत गीला या एब्जॉर्ब करना, सोख लेना, होज मतलब पाइप, किसी चीज़ में पाइप की मदद से पानी उड़ेलना या धो देना। तो ये सारे हो गए उसके ग्लॉसरी के मीनिंग्स। फिर यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको जो दिया है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल। वी विल मीट वेरी सून विद अवर न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच टू जॉइन द क्लास।